वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जाफर शूट पे। तो क्या हाल चाल है, आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि तुम लोग कह रहे थे सर, थोड़े जो फंडे हैं उनको और एक्सपेंड किया जाए और आपके लिए ये वाले फंडे के शॉर्टकट्स बनाए जाए। देखो, तो पहली बात तो ये जो ये फंडे आते हैं ना आपके, इनसे एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली हिट करता है। यानी ये कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली आपके एग्जाम को बूस्टअप करती है। मतलब ये आपके एग्जाम में है, मतलब कन्फर्म आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अगर एंडिंग एग्जाम दे रहा हो तो आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एयरफोर्स में आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। तो ये हर एग्जाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपका पास 30% पेपर ऐसा होता है जो आप डायरेक्टली हिट करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मॉडुलस इंटीग्रेशन की, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं और बहुत सारे बच्चे इनको बेसिक से करते हैं और बेसिक से आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे इनको फटाक से उड़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है -2 से 1 मॉड ऑफ एक्स और डीएक्स। ठीक, अब अगर तुम बेसिक से करोगे पहले मॉड को -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 पे तोड़ दो तो टाइम लग जाता है। हम एक काम करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। हम एज ए एक्स मान लेते हैं और हमें पता है ये 0 कहां पे बनता है, 0 पे। ठीक है, यानी अगर सिंगल आता तो यहां पर क्या लिख लो, 0। अब आपने एक काम करना, देखो -2 से लेके 1 मॉड ऑफ एक्स और डीएक्स, क्योंकि एक्स का यहां पर वैल्यू 0 ही आएगा, फैक्टर मैंने माना 0, तो ये हो गया 0। अब बताओ इनके इनके बीच का गैप कितना है, 1। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। इतना क्लियर है। दोनों का जो गैप आएगा वो आपने लिखने के बाद पहले गैप का स्क्वायर प्लस दूसरे गैप का स्क्वायर बाई 2, मतलब 1 + 4/2 = 5/2, आंसर आ गया 2.5। आप इसको ओरली माइंड में भी अब कर सकते हैं। कैसे, जैसे तुमने देखा सर 0, इनके इनके बीच का गैप 2, सर 2 का स्क्वायर 4 और 1 5/2, खत्म हो गया। ठीक, बेसिक से करेंगे ये आपके आधे पेज का क्वेश्चन पहुंचेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। एक और कर लेते हैं, हो सकता है सर इसने इसमें चीटिंग कर ली हो। अब देखो -2 से 2 मॉड ऑफ एक्स, हमने क्या कहा 0 आएगा, ठीक, क्योंकि एक्स का सिंगल फैक्टर तो 0 ही होगा। इनके बीच का गैप 2, इनके बीच का गैप 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4/2 बेटा 8/2, ये वैल्यू आ गई 4। क्लियर है, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4। सिंपल सा मैथड है। अब सर जिसमें एक्स ना हो और कुछ एक्स के साथ एड हो वो भी देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन ये एनडीए में पूछा भी गया था, मॉड ऑफ एक्स -5, तो हमने कहा एक्स का फैक्टर निकालो, यानी कि इसको 0 के बराबर बना के फैक्टर निकालो, तो एक्स बराबर 5 आ जाएगा ना। आपने क्या लिखना है, यहां पे 5 लिख लेना है, यहां पे मिड वैल्यू क्या मिलेगी, 5। इनके इनका गैप का बीच कितना है, 3 का है। इनके बीच गैप कितना है बेटा, 3 का है कि नहीं, 8 और 5 के बीच गैप 3 का है, इनके बीच गैप 3 का है। 3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9/2, आंसर कितना आ गया, 9। और अगर आप इसका बुक में सॉल्यूशन देखेंगे तो एक पेज का सॉल्यूशन है और बहुत आसान होता है। सिंपल सी बात है, अगर सिंगल एक्स है तो मिड वैल्यू 0 होगी, अगर सिंगल एक्स नहीं है, एक्स साथ कुछ है तो उसको फैक्टर निकालो, वही उसकी मिड वैल्यू हो जाती है। क्लियर, अब अगले टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड टाइप क्या है सर, -2 से 1 मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये भी क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, समझना, एक फॉर्मूला a to b मॉड ऑफ x अपॉन x कभी भी आ जाए, कोई बेसिक नहीं लगाना, मॉड ऑफ b माइनस मॉड ऑफ a, ये इसका फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ b माइनस मॉड ऑफ a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या करना, मॉड ऑफ b माइनस मॉड ऑफ a बेटा 1 - 2 = -1, खत्म। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से हिट करेंगे और पावर पंच मारेंगे, क्वेश्चन उड़ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आरएस अग्रवाल की बुक्स में, लोसेंट में, हर जगह क्वेश्चन है, ये कोई अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके रेगुलर क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आपको डेली 2-2 फंडे मिलते रहेंगे, आज भी अभी आपको एक और मिलेगा रात में, एक सुबह एक रात में, जिससे क्या होगा आप अपने क्वेश्चंस को इंप्रूवमेंट कर लेंगे। और देखो आप जब स्मार्ट वे में तैयारी करेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो टेलीग्राम चैनल बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं आप टेलीग्राम पर जाके, टेलीग्राम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये बोला भाई, ठीक है, यहां पे जाके जय हो मयंक सर सर्च करना है आपको, क्या जय हो मयंक सर, तो जय हो इंस्टीट्यूट करके आ जाएगा, ये आपका चैनल होगा, आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक, एक चीज और बता दूं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें को एनडी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो मयंक सर कोड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए 2-3 चीजें मैं और बताता हूं फ्री की। ब्रेवहार्ट जो मॉक टेस्ट है आई होप सब लोगों ने करा होगा, ये 8 तारीख को होगा, अब नेक्स्ट संडे ये आपका मॉक टेस्ट होगा, तो काफी सारे बच्चों ने इस मॉक टेस्ट को भी किया होगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट जरूर कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आपके पास एक और चीज था, काफी अच्छे यूट्यूब सेशन है, ये अनअकैडमी के थ्रू कराया जा रहा है, अनअकैडमी के शिक्षक, ठीक है, और भारत के रक्षक, ये 8 तारीख को हो चुका है कल,
15 जून को होना है, 22 को होना है। अगर आपसे इसमें कोई इनरोलमेंट कोड मांगता है तो फ्री कोड है मयंक सर, आप इस फ्री कोड को यूज कर सकते हैं, MAYANKSIR, ठीक है, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं मयंक सर। ठीक, अब बात आती है कि सर हमको आपका प्लस बैच भी ज्वाइन करना है, तो ये अभी मेरा एनडीए का प्लस बैच चल रहा है, जो कि आप अगर ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए कैटेगरी में, एयरफोर्स कैटेगरी में 2 दिन के अंदर एक नया बैच आ रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मयंक सर कोड यूज कर सकते हैं, MAYANKSIR। आई होप आपको फंडा समझ में आया होगा, अगर समझ में आया और ऐसे ही ज्यादा फंडे अगर आप चाहते हैं तो इसको अच्छे से शेयर करो जितना हो जाए। तब तक ले, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।